शनि के दसना देंगे आपको अपार शक्ति और बल। स्मरण मात्र से शनि दोष होंगे दूर। क्या है इसके लाभ बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। सूरज के पुत्र प्रभु नमस्कार। सुबह के 7 बजने को है, मैं हूं पंकज भार्गव। आपको मालूम है हमारे लिए ये जो वक्त है ये आपके लिए खास पेशकश का है, आपकी किस्मत। जी हाँ, आज आपका स्वागत है। शनिवार का दिन, क्या कहती है आज के दिन आपकी राशियां, ये जानेंगे। हमारे साथ हर बार की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा। साथ ही इनसे जानेंगे शनि के 10 नामों के बारे में, जिससे शनि के हर तरह के दोष दूर होते हैं केवल मात्र स्मरण करने से ही। लेकिन इससे पहले कि पंडित जी से हम ये बात करें, राशियों के बारे में जाने, आइए जान लेते हैं उनसे आज का पंचांग क्या कहता है। जी पंकज जी, आज का पंचांग है विक्रम संवत 2068 मास है आषाढ़, आज की तिथि है कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, शनिवार का दिन, नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, योग है ब्रह्मा, करण है वाणिज्य। शनि के दसना देंगे आपको अपार शक्ति और बल। स्मरण मात्र से शनि दोष होंगे दूर। क्या है इसके लाभ बताएंगे पंडित वैभवनाथ शर्मा ठीक 7 बजे। सूरज के पुत्र प्रभु। तो चलिए, अब वो घड़ी आ गई है कि हम पंडित जी से जान लेते हैं शनि के 10 नामों के बारे में, जिनके मात्र स्मरण से ही आपको अनेकानेक लाभ जो हैं वो मिलेंगे। पंडित जी, तो अगर आप बताएं। जी पंकज जी, आज मैं अपने दर्शकों को शनि के कष्ट से निवारण के लिए 10 नाम बताने वाला हूं, और साथ में इन 10 नाम को बताने के बाद मैं आपको एक ऐसा अद्भुत, दुर्लभ और गोपनीय प्रयोग बताऊंगा कि आप इन नामों का ध्यान और जप करने के साथ साथ आप यदि उस नाम के साथ एक प्रयोग करते हैं तो किसी भी प्रकार का कष्ट हो, आपने इससे पहले शनि के कोई भी प्रयोग किए हो, वो सब अपनी जगह है, लेकिन ये प्रयोग मत भूल जाना, इस प्रयोग को अवश्य करना, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो हम लोग चर्चा करते हैं शनि का प्रथम नाम कोणस्थ। इस नाम की महिमा इतनी है कि आपके ऊपर शनि के कैसे भी दोष हो, आप मन में श्री शनिदेव के इस नाम का स्वरूप का कोणस्थ नाम का ध्यान करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा नाम होता है पिंगल। इस नाम का ध्यान करने से आपके शरीर में वायु संबंधी जो भी कष्ट होता है वो दूर होता है, इस नाम का ध्यान करना बहुत अच्छा लाभ देता है, विशेषकर स्वास्थ्य संबंधी समस्या में। वहीं तीसरा नाम बहु जो नाम है वो आपके परिवार में जो आप शनि के दोष से जो भी कष्ट झेल रहे हैं या पारिवारिक संपत्ति का विवाद है, इस नाम को ध्यान करने से वो कष्ट दूर होता है। बिल्कुल, तो अब तक 3 नामों के बारे में शनि देव के बताया है पंडित जी ने आपको, यानी अभी 7 नाम और बताएंगे पंडित जी। हाँ, इससे पहले की राशियों के सफर की शुरुआत करें, भगवान कृष्ण के जबरदस्त उपासक थे। जी बिल्कुल, तो शनि को जो श्राप लगा है अपनी पत्नी का वो सिर्फ कृष्ण की साधना से ही लगा है, इसलिए एक तो शनिदेव का नाम श्री कृष्ण के नाम की वजह से कृष्ण भी पड़ा, और दूसरा उनका जो श्याम रंग है, जो उनका काला रंग है, इस कारण से भी उनका नाम कृष्ण पड़ा है। तो चलिए, अब बारी आती है राशियों के सफर की शुरुआत करने की। तो सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि, इनके जातकों के लिए पंडित जी का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में जहां तक हो सके निराशा से बचने का प्रयास करना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता बढ़ सकती है, तो आज का समय माता के साथ देंगे तो अच्छा रहेगा। आज के दिन आपको माँ दुर्गा की आराधना करनी है, माँ के स्वास्थ्य की और स्वयं अपने स्वास्थ्य की अनदेखी आज ना करें। अब बारी आती है टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आपकी मानसिक चिंताओं में बढ़ोतरी हो सकती है, कार्य क्षेत्र पे ध्यान देना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, जितना हो सके धैर्य धारण करें, भगवान शिव की आराधना करें, तनाव कम से कम लें। तो तनाव आज आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, टॉरस राशि के जातकों के लिए पंडित जी ने बात बताई है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में व्यर्थ की बातों में ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप अपना ध्यान व्यर्थ की बातों से हटा करके अपने कार्य क्षेत्र में काम में लगाएंगे तो आपको धन लाभ के योग बनते हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लेना, ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर लेना, और गंभीर यात्रा से, बहुत थकान भरी यात्रा से बचना आपको लाभ देगा। 10 नाम शनिदेव के बता रहे हैं पंडित जी आज, और उसके अगर आप नाम लेते हैं यानी मात्र स्मरण करने से ही, ध्यान में भी अगर लाते हैं आप इन 10 नामों को, तो आपको कितने लाभ मिलते हैं उसका आपको अंदाजा ही नहीं है। और अब बारी आती है
जी पंकज जी, जैसे अभी राशि के क्रम को शुरू करने से पहले पंकज जी ने चर्चा किया कि शनिदेव का नाम कृष्ण क्यों पड़ा, तो उनका जो नाम है चौथा नाम जो है कृष्ण, वो इस वजह से है क्योंकि उनका श्याम रंग है, उनका रंग कृष्ण स्वरूप है और वह कृष्ण के बहुत बड़े साधक थे, तो इनका चौथा नाम कृष्ण का ध्यान करने से आपको शनिदेव और कृष्ण की कृपा तत्काल मिलने लगती है और उसके बाद रौद्रांतक भगवान श्री शनिदेव का जो स्वरूप है वो रौद्र स्वरूप है और अगर आप उनका ध्यान करते हैं तो आपके जो भी जीवन में जो भी रौद्र कष्ट चल रहे हो, बहुत ज्यादा कष्ट है, पारिवारिक क्लेश, धार्मिक आपको लाभ नहीं मिल रहा हो, आप पूजा पाठ करते हैं उसकी सिद्धि नहीं मिल पाती, आप यदि रौद्रांतक नाम का ध्यान करते हैं, उनको इस नाम से जाप करते हैं तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। देखिए कितना अद्भुत ये संयोग है, शनिवार का ही आज दिन है और आप भगवान शनिदेव के 10 नामों के बारे में पंडित जी से जान रहे हैं, 5 नामों के बारे में पंडित जी बता चुके हैं, मात्र इन नामों का स्मरण करने से ही आपको अनेकानेक लाभ जो है वो मिलते हैं। इससे पहले कि हम 5 और नाम आपको बताएं, राशियों की बात करते हैं, लेकिन पंडित जी हम चाहेंगे कि छठा नाम आप बता दें। जी बिल्कुल, देखिए छठा नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट से बचना चाहता है, रोगों से मुक्ति चाहता है, तो यदि आपके जीवन में कष्ट बहुत ज्यादा है, रोग बहुत ज्यादा है, तो उनका छठा नाम, जिनको भगवान शनिदेव को यम का स्वरूप भी कहते हैं, आपके जीवन में आपको जो सुख है वो देने वाले हैं, कष्टों को हरने वाले हैं, बहुत ज्यादा अगर शनि की पीड़ा आ जाए तो उनके इस नाम का ध्यान करना चाहिए, यम इनका नाम जो है, छठा स्वरूप यम का स्वरूप है, यदि आप उनके इस नाम को ध्यान करते हैं तो जीवन में कितने भी गंभीर से गंभीर कष्ट हो आपको उन कष्टों में मुक्ति मिल जाती है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री शिव की कृपा से उनकी जो ये स्वरूप है, जो छठा स्वरूप यम का स्वरूप है, उनकी कृपा आपको मिलने लगती है। बिल्कुल, तो 6 नाम अभी तक भगवान शनि के आपको पता चल चुके हैं और अब धीरे धीरे 4 नाम और हम आपको बताएंगे, लेकिन पंडित जी जो कर्क राशि वाले हैं उनके जातक जो इंतजार में हैं कि कब आप उनके बारे में बताएं। जी बिल्कुल, कर्क राशि वाले जातक लोगों को पंकज जी आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा सचेत और सजग रहना होगा, आज आपके पास चोरी धोखे की स्थिति दिखाई देती है, आपस में मतभेद भी हो सकता है, धन हानि किसी न किसी बहाने हो सकती है, तो आज आपको बहुत ही चैतन्य रहना है, स्वयं पर नियंत्रण रखना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, व्यापार में लाभ बढ़ाने के लिए झूठ का सहारा न ले। और अब बारी आती है सिंह यानी कि लियो राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन अपनी बौद्धिक क्षमता से आप विदेश स्थानों में लाभ कमा सकते हैं और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, आज ऐसा संयोग बनेगा कि आप अपनी प्रतिभा से विदेशों में सम्मान पा सकते हैं, आज के दिन क्रोध नहीं करना है, यदि सूर्य आराधना करेंगे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वक्त हमारे पास कम होता है लेकिन फिर भी हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नीचे लगातार फ्लैश होता है, आप सीधे पंडित जी से अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी जन्मतिथि और जन्म का समय बताना ना भूलें और फिर भविष्य से जुड़ा कोई भी सवाल आप पंडित जी से कर सकते हैं। वर्गो यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने छुपे हुए शत्रुओं की स्थिति में आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगा, उसमें कमी आ सकती है, आपके अपने प्रभाव से विदेश स्थान से संबंधित आप कोई व्यापार कर रहे हो तो निश्चित लाभ मिलेगा, आज के दिन भगवान श्री गणेश की आराधना कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देता है, बहुत जल्दीबाजी में निवेश ना करें आज। तो 6 नामों के बारे में अभी तक शनिदेव के हमने पंडित जी से जाना है, अब 7वां नाम क्या है वो भी इनसे जान लेते हैं। जी 7वां नाम जो शनिदेव का है वो है सौरी, इनके इस नाम का ध्यान करने से आपको अपने परिवार में जो पितरों का दोष हो उससे मुक्ति मिलती है, इस नाम को ध्यान करने से आपके जीवन में आपका मान लीजिए अगर अपने पिता से बहुत ज्यादा वाद विवाद है तो आपको इस नाम का ध्यान करना चाहिए, इस नाम का जप करने से आपको अपने परिवार में शांति मिलती है। और पंडित जी अगर आप ध्यान करते हैं जैसे ध्यान स्मरण मात्र से ही तो एक तस्वीर अपने आप जो है वो उभर कर आएगी और साथ साथ फिर आपको एक बार में 10 नाम जो है उनका स्मरण कर। जी बिल्कुल, देखिए आप इन 10 नाम का एक साथ भी स्मरण कर सकते हैं यदि संभव ना हो, मैंने आपको एक एक अलग अलग नाम की विशेषता बताई है, आप यदि उन नामों को आप अपनी समस्या के अनुसार आप अगर किसी विशेष नाम का जाप करते हैं तो भी आपको उनकी पूरी कृपा मिलती है। और अब बारी आती है 8वें नाम। जी 8वां नाम, जैसे हम लोग शनिदेव की चर्चा कर रहे हैं तो शनिदेव का 8वां नाम शनैश्चर, इस नाम का ध्यान करने से कहते हैं शनै पंथा शनै पंथा, आपके जीवन में जो भी कष्ट होगा शनै पंथा खत्म समाप्त हो जाएगा, अर्थात धीरे धीरे इन मंत्रों का जाप करने से आपके जीवन में जो कष्ट है वो समाप्त हो जाएंगे, इन नामों का बहुत बड़ा चमत्कार। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए पंडित जी, 8वां हो चुका है नाम और अब 9वें नाम की बारी आती है। जी देखिए जैसे अभी शनिश्चर की बात की, शनि का अर्थ होता है जिसकी गति मंद हो अर्थात धीरे धीरे चलने वाला, इसीलिए आपने देखा होगा कि शनि 12 राशियों को एक परिक्रमा पूरी करने में 30 वर्ष लगा देते हैं, इसी तरीके से शनि का जो 9वां नाम है वो धीरे का एक दूसरी पर्यायवाची मंद गति वाले शनिदेव का ध्यान करना, मंद नाम का उच्चारण करना, उनका ध्यान करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और चलिए अब आखिरी जो नाम है यानी 10वां जो नाम है उसके बारे में भी जान लेते हैं शनिदेव की। 10वां नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस नाम का ध्यान करने से आपको अपने परिवार का सहयोग, परिवार
की कृपा, भूमि और संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। पिपलाद इस नाम का यदि आप ध्यान करते हैं, परिवार में किसी भी प्रकार का क्लेश हो, किसी भी प्रकार के वाद विवाद को अगर हल करना चाहते हैं तो इस नाम का जाप कर लेना, ध्यान करना, आपको बहुत अच्छा लाभ देता है। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा की खासियत हम आपको बताते हैं। खासियत यह है कि पंडित जी हर रोज कोई नए प्रयोग बताते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपने सोची हो या फिर सोची भी ना हो। तो आज आपको 10 नाम जो है शनिदेव के वो पंडित जी ने बताए हैं, यानी आप इनका स्मरण मात्र करेंगे तो स्मरण मात्र से ही इसका लाभ होगा। जी बिल्कुल, स्मरण मात्र से लाभ होगा। लेकिन मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में वादा किया था कि मैं एक प्रयोग भी बताने वाला हूँ। देखिए, आप इन नामों का स्मरण तो कर सकते हैं, यदि आप शनि के प्रभाव से बहुत ज्यादा पीड़ित हो तो आपको करना यह है कि 2 सफेद कोरे कागज ले लीजिए और 1 शमी की लकड़ी ले लीजिए, जिसको आप कलम स्वरूप बना सकते हैं, शमी की कलम ले लीजिए और काजल से आप इन 10 नामों को लिखिए, अलग अलग 2 पन्नों पे भगवान शनिदेव का ध्यान करके अलग अलग 2 पन्नों में इन 10 नामों को लिखिए। एक पन्ना ले जाकर के श्रद्धा के साथ भगवान शनि का ध्यान करते हुए मन में शनिदेव का नाम जपते हुए ले जाकर के हनुमान जी के चरणों में अर्पित करिए। दूसरा आसपास के किसी भी शनि मंदिर में अर्पित करिए और वहां पे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। चुटकियों में किसी भी प्रकार के शनि का कष्ट होगा, कोई भी पीड़ा होगी, तत्काल शांत हो जाएगी। बिल्कुल, और तुला राशि के जो जातक हैं वो इंतजार कर रहे हैं, हमें मालूम है, अब उनकी बारी आती है। पंडित जी बताइए, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत शुभ हो सकता है। आपके अंदर पहल करने का गुण है, आपके अंदर जोश जो है, ऊर्जा की शक्ति जो है वो देखते ही बनती है, तो आज के दिन आपको आगे बढ़ना चाहिए और परिवार की व्यापार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। यदि आज के दिन आप भैरव साधना करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, व्यर्थ में समय गंवाने का अवसर नहीं है, आगे बढ़कर के काम और लाभ लेने का समय। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज के दिन आपको आपके अंदर की जो आयोजन करने की क्षमता, अतुलनीय क्षमता है, उसका लाभ मिलने वाला है। आपका मनोबल ऊंचा रहेगा तो आज व्यापार में लाभ भी मिलेगा, तो आज के दिन भगवान श्री राम की आराधना करें और मनोबल को ऊंचा रखें, व्यर्थ की भागदौड़ से बचें। तो चलिए, हमने इस तरह से अब बहुत राशियों के बारे में जान लिया है, लेकिन कुछ राशियां अभी बाकी हैं, उनके बारे में जानेंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपकी किस्मत। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आपकी किस्मत। आचार्य पंडित वैभवनाथ शर्मा अब तक आपको 8 राशियों के बारे में बता चुके हैं, और जो दर्शक अब हमारे साथ जुड़े उनको हम बता दें कि आज पंडित जी ने 10 शनिदेव के नामों का वर्णन किया, उनके बारे में बताया। यदि आप उनका स्मरण मात्र करते हैं तो आपको उससे बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों को आज के दिनचर्या में वाद विवाद में निपुणता प्राप्त है, लेकिन आज के दिन आपको किसी भी वाद विवाद को बढ़ाना नहीं है, अपने गुण से वाद विवाद को नियंत्रित रखने का प्रयास करें, शत्रु को नियंत्रित करें, योग से लाभ मिलेगा। आज के दिन कुछ योग कुछ व्यायाम करना चाहिए, यात्रा पे नहीं जाना चाहिए, आज के दिन आपके लिए स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। और हम आपको यहाँ ये भी सूचना देना चाहेंगे अपने तमाम दर्शकों को जो आपकी किस्मत देखते हैं, कि यदि आप किसी कारणवश ये कार्यक्रम नहीं देख पाए तो हमारी वेबसाइट है ibnkhabar.com, उस पर आप ये जो कार्यक्रम है वो देख सकते हैं। यदि आप ये मिस किए हैं, क्योंकि हमने आपको लगातार बता रहे हैं कि आज पंडित जी ने 10 शनि के नामों का भी वर्णन किया जिनके स्मरण मात्र से आपको बेहद लाभ प्राप्त होंगे, तो यदि आप नहीं देख पाए हैं तो आप इस पूरे कार्यक्रम को देख सकते हैं ibnkhabar.com पर। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए प्रशासनिक कार्य में आपकी योग्यता में वृद्धि होने वाली है, विरोधी शांत रहेंगे, आज के दिन माँ काली की आराधना कर लेना आपको लाभ देने वाला है, कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। और जम्मू से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही है, मोनिका। मोनिका, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय और आपका प्रश्न। 29/10/1970। और समय बताइए। 6:20 सुबह का या शाम का? सुबह, सुबह का। मोनिका सवाल पूछिए। पठानकोट, सवाल पूछिए। सवाल सर, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सिर में दर्द रहता मेरे। जी मोनिका जी, आपकी कुंडली में चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा दशम भाव का स्वामी है, तो इस समय में यदि आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, कच्चे दूध में कुछ मीठा मिला करके, शहद या गुड़ मिला करके, एक चुटकी काले तिल के साथ, क्योंकि आपकी कुंडली में और जो मैंने आपको शनि के उपाय बताए हैं, आज अगर आप उनको करते हैं और आने वाले समय में भी उन मंत्रों को ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पंडित जी, कुंभ और मीन राशि। जी कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों को मेहनत का फल मिलने वाला है, मेहनत की तुलना में लाभ कुछ कम हो सकता है, आपको उससे बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, आगे आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आज के दिन देरी नहीं करनी चाहिए, मां लक्ष्मी की आराधना से आज का दिन शुभ हो जाएगा, धैर्य ना खोएं।
वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आत्मविश्वास की अधिकता से आमदनी में इजाफा होने वाला है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करनी चाहिए, जोखिम भरा काम आज ना करें। तो चलिए समस्त 12 राशियों के बारे में हमने पंडित जी से जान लिया। पंडित जी आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपकी पंडित जी से मुलाकात होगी कल सुबह, यानी रविवार का दिन है, छुट्टी से आराम से बैठकर छुट्टी का दिन है। देखिएगा सुबह 7 बजे आपकी किस्मत। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी IBN 7 पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा लगातार।